और छतरपुर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत चौबे कॉलोनी में लाखों रुपए कैश और जेवरात चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार अरुण कुमार मिश्रा के घर बीती रात चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने घर के पिछले हिस्से में बाउंड्री वॉल फांदकर प्रवेश किया और कमरे में लगी खिड़की का ग्रिल तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। तो पीड़ित ने बताया कि लगभग 3.5 लाख रुपए कैश और 5 लाख के जेवरात चोरी हो गए हैं। घटना स्थल का मौका मुआयना एफएसएल टीम द्वारा किया गया है। अरे काम काम से सच चोरी हो गई रात को, जैसे खुले रख गए। रात को चोर वगैरह आकर के ग्रिल तोड़ दी है लोहे की और यहाँ से घुस के भैया यहाँ रहते हैं बड़े भैया के सामान जो भी सोने का सामान और कैश वगैरह लेके चले गए। सवेरे मम्मी जगी, मम्मी मैं रहता हूँ ऊपर वाले पोर्शन में, मम्मी ने मुझे आवाज़ दी। मैं सवेरे आके मैंने देखा तो सब बिखरा डला था पूरा, और फिर उसके बाद थाने में गए, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो प्राथमिकता तौर पर अभी जांच। कितना सामान चला गया? ये 3.5 लाख कैश वगैरह था और सोने का सामान था 7-8 लाख। कैश भी गया? हाँ, कैश भी 7-8 लाख का, सोने का। ये जिनका कमरा है ये लोग कहाँ रहते हैं? भोपाल में गए हैं वो बड़े भाई हैं। हाँ, बड़े भाई इसी में है, पुलिस हाउस। तो ये पीछे से घुसा है और सीधे इसको तोड़ दिया। हाँ, ऐसे पैरों के निशान भी हैं। जी, पैरों के निशान भी हैं। कॉलोनी में दूसरा परिवार के यहाँ चोरी हुई है, उसी अपराध पंजीबद्ध किया गया। अच्छा, कितने की चोरी हुई सर? उसको सोना चांदी और कुछ नगदी गए। कितने घरों के साथ आते थे? एक घर। कहाँ थे सर ये लोग जब ये चोरी की घटना? दूसरे कमरे में सो रहे थे और दूसरे कमरे में ग्रिल हटा के उन्होंने चोरी की है। जो मौके पे हमारे द्वारा एफएसएल टीम भेजी गई है और फिंगरप्रिंट डॉग स्पॉट गया था। मैंने सब घटना स्थल का मुआयना किया है और उसी की विवेचना हम लोग लगे। किन किन धाराओं में? जी, भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया।